तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रावत मोटो व्लॉग्स। और आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि देख सकते हो, बाइक अभी खड़ी है यहाँ पे खाली जगह पे, जो कि मेरे घर के पास ही है। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने वाला था और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये वीडियो उन जैसे भाइयों के लिए होने वाली है जो कि जैसे मुझ जैसे राइडर है, जो कि मतलब हर एक मॉडिफिकेशन में इतना मतलब पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। क्योंकि यार आप जितना भी बाइक में पैसा लगाओगे तो वो कम ही है, आप जितना मर्जी लगा सकते हो। तो बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है फॉग लाइट के ऊपर, जो कि मैंने फॉग लाइट माउंट करी है अपने लेग गार्ड्स पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे जुगाड़ से माउंट करी है। तो जिसकी कॉस्ट आई थी मुझे सिर्फ 30 रुपीज़, जो कि मेरे से लोकल मैकेनिक ने लिया था जस्ट उसको एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को कोई माउंट नहीं मिल रहा था। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखा दूँ यार, जस्ट मैंने अभी ये रावत मोटो व्लॉग से साइन और ये स्टिकरिंग यहाँ पे करवाई है। और देख सकते हो यहाँ पे मैंने लैमिनेट भी करवाई है अपने टैंक, ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आई है बट ठीक है, अच्छा हुआ है, बहुत सही हुआ है। और मैं आपको बाद में इसकी कॉस्ट बताता हूँ कि कितनी आई है। और ये देख सकते हो रावत मोटो व्लॉग्स, बहुत सही लग रहा है। आई मीन बाइक इस टाइम पे गंदी है बट ठीक है, मतलब मैं एक दो दिन में करवा लूँगा, ऐसे साफ करवा लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को आजकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको दिखाता हूँ फिर मैंने क्या जुगाड़ करा है अपने फॉग लाइट के साथ। तो जैसे आप लोग देख ही सकते हो और आप लोगों को पता ही है, मैंने अपनी बाइक में लगवा रखा है जाना का लेग गार्ड, जो कि जिस टाइम पे मेरे को कॉस्ट आई थी 4200 रुपीज़ मेरे को कॉस्ट आई थी, मतलब लेबर चार्ज इंक्लूड करके। तो ये उस टाइम पे मैंने लगवाया था, अराउंड 1 ईयर हो गया भाई। तो बहुत ही सही है भाई ये चीज़। 2-3 बार मेरी बाइक बहुत ही गंदी तरीके से गिरी है, तो लेकिन इसने कुछ नहीं होने दिया। देख सकते हो यार, स्लाइडर घिस चुके हैं, उस साइड के भी घिसे पड़े हैं, दोनों साइड से गिरी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे राइडर्स ने इस टाइप के लेग गार्ड लगा रखे होते हैं अपने, उसमें जाना के, हाइपर राइडर के, मतलब और जो भी कस्टम लगवा रखे रहते हैं, जिनकी जिनका मतलब थोड़ा सा मतलब ये ना बाहर को निकला हुआ होता है और उसमें कहीं ना कहीं फॉग लाइट माउंट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। क्योंकि अगर जो स्टॉक वाला आता है ऐसे में, मैं जैसे कि बताऊँ आपको, अगर वो स्ट्रेट होता है हॉरिजॉन्टल, तो अगर आप उसमें माउंट करवाते हो तो उसमें कोई इशू नहीं आता, उसके ऊपर जस्ट आपको एक क्लैंप लगाना है और वो एडजस्ट हो जाता है। बट सीन कहाँ पड़ता है इन वाले उसमें। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि एक एसेसरीज आती है जो कि फॉग लाइट माउंट करने के एडजस्टमेंट्स आते हैं, तो वो आई थिंक यहाँ पे कहीं लगते हैं वो, और वो आई थिंक 800 या 900 रुपीज़ के आते हैं, प्लस आपको शिपिंग भी देनी पड़ेगी क्योंकि मोस्टली वो ऑनलाइन ही मिलते हैं। मेरे को करोल बाग में मैंने चेक करा था बट मेरे को नहीं मिला, तो यहाँ पे लगते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको साथ में बता दूँ कि जैसे भी आप मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल्स को बता दूँ, मतलब आप अपनी हेडलाइट के साथ अपनी फॉग लाइट अटैच नहीं कर सकते, मतलब एक ही पोजीशन में नहीं कर सकते, आपको उसके नीचे ही करनी होगी। और प्लस जो आपकी वॉटेज होगी ये फॉग लाइट की, उससे कम होनी चाहिए मेन हेडलाइट से। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। तो अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि मैंने इसमें क्या जुगाड़ करा है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये मेरी फॉग लाइट है, और फॉग लाइट में मैंने एक ही आप क्लैंप देख रहे होंगे जिससे मैंने एडजस्ट कर रखा है, और यहाँ पे ये एडजस्ट हो रखा है। अगर ये बाई चांस कभी गिरती भी है इस साइड से, पहले तो स्लाइडर बचा लेगा पूरा पूरा, और यहाँ पे अगर कुछ इम्पैक्ट आता भी है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितनी फोल्ड हो जाएगी, मतलब फोल्ड होने भी नहीं वाली यार, ये पूरा पूरा का पूरा एकदम हार्ड कोर स्टील है। अगर ये मुड़ेगी भी तो यहाँ बिल्कुल भी टच नहीं होने वाली। मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखाता हूँ, ये दूसरी साइड का देख सकते हो, दूसरी साइड का भी सेम ऐसा है ये चीज़। तो ये मैंने जुगाड़ से लगवाया है, और ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ आखिर है क्या। तो गाइज़, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, ये जो क्लैंप है ये है एक्चुअली साइकिल का क्लैंप, जो साइकिल का आपने हैंडल देखा होगा, तो साइकिल का जो क्लैंप होता है, मतलब साइकिल का जो हैंडल होता है इस टाइप में होता है, मतलब बीच में उसका एक क्लैंप होता है, तो ये वो वाला क्लैंप है। तो वो वाले क्लैंप से मैंने जुगाड़ कर रखा है, ये यहाँ पर लगाया लेग गार्ड पे, और ये इसको यहाँ पे 10 नंबर के बोल्ट थे, तो 10 नंबर के बोल्ट से मैंने अटैच कर रखा है। मेरी फॉग लाइट पूरी मतलब एकदम फिक्स हो रखी है, मतलब हिल भी नहीं रही, देख सकते हो आप मतलब कितनी सही माउंट हो रखी है। तो यही था छोटे छोटी सी जो मैंने मॉडिफिकेशन करवा रखी है इसमें। मैं लगा सकता था उसको भी 700-800 का, आई थिंक 800 से ज़्यादा का ही आता है वो, मैं लगा सकता था उसे भी, बट यार मेरे को कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी सी मेरे को लुक पसंद भी नहीं आ रही थी, और मैंने कहा यार छोटी सी चीज़ के लिए क्या 700-800 रुपये दूँ। तो मैंने जस्ट ये यहीं पर माउंट करा। बहुत से बंदे यहाँ पर लेग गार्ड में भाई यहाँ पे छेद करवा के करवाते हैं, बट वो मेरे को पसंद नहीं आया, क्योंकि यार 4300 का आपने लेग गार्ड लिया इतना सॉलिड, और देन आप उसको एक छोटी सी मॉडिफिकेशन के चक्कर में ड्रिल करवा रहे हो, तो मेरे को पसंद नहीं आया कहीं ना कहीं। तो ये थी वीडियो मेरे जुगाड़ू फॉग लाइट माउंट के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने अपनी लैमिनेशन करवाई थी, अभी दिखा देता हूँ।
तो ये मैंने अपनी बाइक में करवा रखी है लैमिनेशन। तो ये आपको शायद अभी सही से दिख नहीं रही होगी या दिख भी रही होगी, तो देखो जैसे यहाँ पे ये कटिंग हो रही है, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है मैं मानता हूँ। और ये भी देख सकते हो मतलब ये बॉर्डर लाइन जो जैसे हो रखी है, मतलब प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। मतलब जिस अकॉर्डिंग इसके प्राइस थे, और ये चीज़ पूरी लैमिनेट हो रखी है, ये चीज़ पूरी की पूरी लैमिनेट कर रखी है भाई ने। तो ये मैंने अपने घर से मतलब लोकल हमारे घर के पास ही है मतलब रैपिंग वाला, तो उससे मैंने करवाई थी। और प्लस ये भी लगवाया बड़ा वाइजर जो आपने मेरा देखा होगा, उसमें भी सेम चीज़ मैंने लगा रखी है। देन प्लस ये रावत मोटो ब्लॉक से यहाँ पे साइन, तो ये सब कुछ मैंने करवा रखा है। तो मैं आपको एक बार लैमिनेशन का बता देता हूँ। लैमिनेशन देख सकते हो मतलब प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है, बट स्टिल मतलब सही है। एट दी एंड मतलब प्रोटेक्ट कर रही है ये मेरे टैंक को। तो ये मेरे को लगी थी मतलब 500 उस बंदे ने लिए थे मेरे से, जो कि मेरे को लगता है हाँ मतलब सही है, रीज़नेबल है। मतलब इस जो ये काम हो रखा है मतलब उसके अकॉर्डिंग बहुत सही है। और ये जो मैंने स्टिकरिंग लगाई थी, इसके मैंने आई थिंक 200 रुपये दिए थे, मतलब 5-6 स्टिकर लगा दिए, 200 रुपये दिए थे, लिया था भाई ने, और कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो देख ही सकते हो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है जो कि मेरी छोटी छोटी मॉडिफिकेशन मैंने करवाई है अपनी बाइक। मॉडिफिकेशन नहीं कह सकते, बट स्टिल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपने जुगाड़ू तरीके से भी करवाई है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। मैं मानता हूँ कि सारे बंदों के लिए यूज़फुल नहीं होगी जो भी वो वीडियो देख रहे हैं, बट स्टिल अगर मतलब 2% या 5% या 10% भी अगर बंदों के लिए यूज़फुल हो रही है, तो भाई सही है, उनका कहीं ना कहीं पैसा बच रहा है, उनमें दिमाग आ रहा है कि मतलब यार अच्छा ऐसा जुगाड़ भी कर सकते हैं इसके साथ, तो मतलब उन बंदों के लिए बेनिफिशियल है। और इनफैक्ट मेरे जैसे राइडर भाई मेरे को तो जुगाड़ चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि हर जगह मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता अपनी बाइक के साथ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और जो मेरे चैनल पे अभी न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।